नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं या फिर कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ब्लाउज की कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसके लिए ब्लाउज सिला जा रहा है उसके मेज़रमेंट के लिए, तो ब्लाउज को हम अच्छी तरीके से मेजर कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। और हाँ, जब भी मेजरमेंट करते हैं ब्लाउज का, तो ब्लाउज की जो बटन है, ब्लाउज का जो भाग है वो खुला होना चाहिए। जो सामने का भाग है वो खुला होना जरूरी है, तभी हम अच्छे से इसका मेजरमेंट ले पाएंगे। कटिंग के लिए सामने का जो भाग है वो 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, ताकि हम अच्छी तरीके से सामने का भाग जो है वो बना सकें। ब्लाउज हम बना सकते हैं 80 सेंटीमीटर के कपड़े से, लेकिन अगर सीना भारी है तो इसके लिए 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे गला निकालने के लिए मैंने लिया है 2 इंच, और इसकी जो गहराई है वो गहराई मैंने ली है वो 6 इंच की है। ये है सामने का गला। पीछे का गला जो है इससे डीप लेंगे। अभी शोल्डर जो है, शोल्डर मैं 6 सेंटीमीटर ले रही हूँ, और इसकी गहराई 5.5 सेंटीमीटर, इसे भी हम नाप सकते हैं। और ब्लाउज का जो मुड्ढा होता है वो ज़्यादा डीप नहीं करना होता, तो 5.5 सेंटीमीटर इनफ होगा। ब्लाउज का जो मुड्ढा हम निकालेंगे वो भीतर करके, जो इसमें गुलाई देंगे, गुलाई इसमें भीतर करके भी दे सकते हैं, अदरवाइज सीम जो नाप है इसका, जैसे मैंने लिया है 5.5 इंच, तो नीचे भी 5.5 इंच का नाप ले सकते हैं। तरीके से ये हो गया ब्लाउज के फिटिंग का नाप। इसी फिटिंग के हिसाब से ब्लाउज बनेगा। अब ये पीछे का भाग है, तो पीछे के भाग में जो हम चुन देते हैं शोल्डर के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, और इसका जो इसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। ये हो गया हमारा पीछे का भाग तैयार। अभी ये हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ताकि सिलाई करने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से ये है ब्लाउज के सामने का भाग। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। इसमें जो मुड्ढा है, मुड्ढे में हम थोड़ा ज्यादा निशान लगाते हैं ताकि यहाँ पे झूल ना आए। पे ले लिया ब्लाउज के फिटिंग का नाप। ब्लाउज इसी फिटिंग की बनेगी। जैसे कि अगर हमने 10 सेंटीमीटर ब्लाउज का नाप लिया है, तो जो नीचे का भाग मैं ले रही हूँ वो 1 सेंटीमीटर कम लूंगी। इस तरीके से यहाँ पे दोनों जो निशान है वो हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे तीरा काटेंगे। तीरा जो है वो हम काटेंगे 13 सेंटीमीटर में,
ठीक है, लेकिन तीरा जो है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कपड़े की जुड़ाई भी होगी, कपड़ा जोड़ना भी पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे वो 14 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे तीरा काटने के लिए। तीरा जब भी काटते हैं, जैसे देखिए मैंने निशान लगा लिया पूरा सीधा, तो इसके वो इससे ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर तक हम इसे रख के इस तरीके से काटेंगे गोलाई के शेप में। ये कट गया है हमारा तीरा, ये है तीरे का निशान। अब ब्लाउज में जो चुन होती है वो इस तरीके से होती है। ये कपड़ा जो है वो मैं जो ब्लाउज की फिटिंग है वहाँ से इसे नापूंगी। ऐसे करके यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा दिया, तो यहीं से इसके चुन का निशान बनेगा। चार निशान लगने हैं, तो यहाँ से 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी जो कि गले के साइड का होगा, जो सीने के सामने का साइज होगा। ये फिर से यहाँ से 2 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाया है जो कि हमारे फिटिंग के साइज यहाँ पे जाएगा। ये हो गया। फिर जो चौथा और आखिरी निशान मैं लूंगी वो फिर से 2 सेंटीमीटर है जो कि मुट्ठी के साइज जाएगा। यह है ब्लाउज के सामने का भाग, इसे भी हम अलग कर लेंगे। जो हम लोगों ने तीरे का निशान लगाया है, तीरे का निशान भी काट के अलग कर लेंगे। ध्यान रखिए कभी भी हम अगर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो ब्लाउज के हिसाब से ही सारी कटिंग होगी और जो सिलाई होगी वो भी ब्लाउज के हिसाब से ही होगी। तो सही तरीके से मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो चुन लगेगा वो थोड़ा ज़्यादा चुन होता है, ठीक है। तो चुन लगाने के बाद यहाँ पे तीरे का जो कपड़ा है वो ज़्यादा निकल जाएगा, जो निकला हुआ भाग है वो हम काट के अलग कर देंगे। सामने का भाग भी हो गया है तैयार, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बाजू का नाप लेंगे। जब हम बाजू के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पे जो डीप लेंगे 3 सेंटीमीटर और यहीं से गोलाई देना हम स्टार्ट करेंगे, तभी ये बाजू जो है वो अच्छी तरीके से कटेगी।
ब्लाउज की जो कटिंग है वो हो गई है तैयार। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ब्लाउज की सिलाई के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो आप सभी जरूर देखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर लें। नमस्कार।